दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पर। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे बताए हुए टिप्स आपको तुरंत मिल जाएं और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जानिए डिप्रेशन से बचने के घरेलू उपाय। दोस्तों काम में रुचि रखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस होना तो ज़रूरी होता है, लेकिन जब यह हमारे ऊपर हावी होने लगता है तब यह हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर करने लगता है। इसीलिए अत्यधिक स्ट्रेस से दूर रहना ज़रूरी होता है। डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव एक बहुत ही आम समस्या है। आजकल के युग ने हमें ऐसी कई सारी चीज़ें दी हैं जिससे हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो गई हैं, लेकिन हमें कई सारी बीमारियाँ भी दी हैं। उन्हीं दिमागी बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। डिप्रेशन का लेवल हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। आइए जानते हैं इसे दूर करने के घरेलू उपाय। लाल गुलाब अवसाद यानी कि डिप्रेशन पर काबू पाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके लिए 250 मिलीलीटर पानी में 25 से 30 गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर उबालें। आप चाहे तो स्वाद के लिए मिश्री का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2 बार इस काढ़े को पिएं, इससे आपकी नसों में शांति बनी रहती है। कद्दू यानी कि पम्पकिन के बीज प्राकृतिक रूप से अवसाद को ख़त्म करने में लाभदायक होते हैं। कद्दू का बीज स्वास्थ्य वसा और मैग्नीशियम से भरा हुआ है जो कि मूड को खुश करने में मदद करता है। इसके लिए आप प्रतिदिन 2 ग्राम कद्दू के बीज का सेवन करें। वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ है कि कैमोमाइल एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक जड़ी बूटी है। इसका उपयोग मन को शांत करता है और डिप्रेशन से बाहर निकालता है। इसका उपयोग बहुत ही सुरक्षित है। कैमोमाइल बच्चों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा के उपचार के विपरीत इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये चिंता को दूर करने में भी बहुत प्रभावी और डिप्रेशन के समय नींद नहीं आने की समस्या में भी बहुत ही लाभदायक है। रात के खाने के बाद 1 कप कैमोमाइल चाय पीने से अच्छी नींद आती है और पाचन भी बेहतर होता है। हेल्दी फूड्स का सेवन करें। अनहेल्दी फूड भी डिप्रेशन के मुख्य कारणों में से एक है। इसीलिए दोस्तों अपने भोजन पर मुख्य रूप से ध्यान दें। संतुलित आहार लें, जैसे कि फल, सब्जी, मांस, फलियां और कार्बोहाइड्रेट्स आदि का संतुलित आहार लेने से आपका मन खुश रहता है। एक संतुलित आहार न केवल अच्छा शरीर बनता है बल्कि ये दुखी मन को भी अच्छा कर देता है। इलायची एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट है। इसकी चाय मन को प्रभावित करती हैं और मूड को खुश करने में मदद करती हैं। लगभग 1.5 ग्राम इलायची पाउडर और पानी का काढ़ा बना लें और प्रतिदिन 1 ग्लास का सेवन करें। आप स्वाद के लिए चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप नहाने के पानी में भी इलायची के तेल को डालकर स्नान कर सकते हैं। ये तनाव को कम करने और निराशा से लड़ने में मदद करता है। कस्तूरी मेथी, यह आपके खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही डिप्रेशन को भी कम करती हैं। इसकी खुशबू ही काफ़ी है आपका मूड खुशनुमा बनाने के लिए। लंबी सांस लें। आपको भले ही इस बात का एहसास ना हो लेकिन अवसाद व तनाव की अवस्था में आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती हैं, सांस ऊपर नीचे होने लगती हैं। दोस्तों जब भी आप तनाव से ग्रस्त हैं तो आप अपनी श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित कर लें। इस क्रम में आप 10 बार लंबी सांस लें और छोड़ें, बस आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। संगीत का सहारा लें। जब आप अवसाद से घिर जाएं तो अच्छा सा गाना या फिर संगीत सुनें, इससे आपका ख़राब मूड जल्दी सही होने लगता है। म्यूज़िक में मूड को बदलने वाला गुण पाए जाते हैं। मेलोडी म्यूज़िक सुनने से मन की निराशा दूर होने लगती है, लेकिन आपको ज़्यादा भावनात्मक संगीत नहीं सुनना चाहिए वरना यह आपको और निराश भी कर सकती हैं। डिप्रेशन होने पर ऐसा संगीत सुनें जिसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, और गम वाले गानों से दूर रहना भी ज़रूरी है। कुछ नया करें। जब आप अवसाद ग्रस्त होते हैं तो खुद को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपनी कोई मनपसंद लेखक की किताब पार्क में बैठकर पढ़ें। आप चाहे तो अपनी मनपसंद हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि डांस, कुकिंग, पेंटिंग आदि। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और अवसाद की समस्या से भी बचेंगे। दोस्तों जब आप अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसीलिए आपको रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए।
अपने पसंद के काम करें। डिप्रेशन की वजह से इंसान हंसना और मौज मस्ती करना भूल ही जाता है। इस हालत से बाहर निकलने के लिए अपने शौक और पसंद के काम करें, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, डांसिंग, गेम खेलना, घूमना फिरना, मूवी देखना आदि। दोस्तों, यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए तो उसे सकारात्मक सोच के साथ लड़ें। डिप्रेशन दूर करने का सबसे कारगर तरीका होता है नियमित मेडिटेशन और योगा करना। रोज़ सुबह जल्दी उठकर फ्रेश एयर में टहलने के लिए जाएं और फिर योगा और व्यायाम भी करें। इससे आपका डिप्रेशन दूर रहेगा। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।